जैसे जैसे पाली महोत्सव का समय करीब आ रहा है, लोगों की चिंता बढ़ रही है। दरअसल यहाँ की प्राचीन शिव मंदिर पर हर साल विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े लोग दूर दूर से शामिल होने के लिए आते हैं। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन यहाँ का मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन हादसे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का आना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक सुधार के लिए कोई निर्देश नहीं दिए। यही स्थानीय लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। काफी दयनीय है। बरसात में जो रोड खराब हुआ था, उसके बाद रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, लगातार गाड़ी फंस रही थी, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, और प्रशासन इस ओर बिल्कुल निष्क्रिय था। अभी तक सड़क का काम नहीं हो पाया है पूरा, और आज इन दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। अभी देखिए, थोड़ी सी बारिश में ही रोड का हाल क्या हो गया आप लोग देख रहे हैं, और सूखे मौसम में इतना ज़्यादा डस्ट उड़ता है कि आने जाने वालों को इतनी दिक्कत होती है। 9 महीने से मैं देख रहा हूँ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। बरसात में पूरा बड़े बड़े गड्ढे थे, जो पेपर में छपी थी, सब लोगों को जानकारी है। जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन इसकी ओर कोई भी कार्रवाई बनाने का या त्वरित कोई भी काम जो होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है, उसे स्वास्थ्य पे और व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक साल पहले जो हमारा व्यापार था, उसका 25% भी नहीं रह गया है। रोड की तो दुर्दशा वाकई में बहुत खराब है। इस संबंध पे अभी हमारे यहाँ पाली महोत्सव का भी आयोजन होने वाला है, जो काफी ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहता है। उस संबंध में अभी कलेक्टर मैडम अभी आई थी बीच में हमारे यहाँ पाली महोत्सव का निरीक्षण करने के लिए, तो उनका अवगत कराया गया है कि पाली महोत्सव का कार्यक्रम और यहाँ पर जो ऐतिहासिक मेला लगता है शिव मंदिर में, कि रोड पूरी जो पूरे कड़ोरा से लेके पूरी बगदेवा तक का रोड दुर्दशा खराब है। ऐसे में ये इतना महत्वपूर्ण आयोजन हो पाना संभव है। और ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत दिक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशिकांत, जैसा कि पाली महोत्सव की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं सड़कों की, वहां गाड़ियों का जाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। क्या स्थितियां नजर आई जब आपने मुआयना किया? जी, बताना चाहूंगा कि वहां पैदल चलने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, और इतना रोड खराब है जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, व्यापार वहां हो नहीं पा रहा है, और कम से कम 1 महीना लगेगा रोड बनने के लिए, और जी सामने में मेला है। और इस संदर्भ में अधिकारियों का क्या कहना है, अगर आपने बात करने की कोशिश की तो? अधिकारियों का कहना है कि वो बोलते हैं एनएच की जमीन है, दोनों में पेच फंसा हुआ है, और आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, मतलब प्रशासन उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। और इस बीच ग्रामीणों का क्या कहना नजर आया, और उन्होंने कितनी बार अधिकारियों से शिकायत की? ग्रामीण बहुत ही नाराज है प्रशासन से, कई बार जिला प्रशासन, प्रदेश के मंत्री, उनको भी अवगत कराया गया है, उन पर किसी प्रकार के ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन बस मौखिक रूप से ध्यान दे रही है। जी, इसके अलावा हर विभाग, जो सड़क विभाग में हर विभाग के अधिकारियों से आपने संपर्क किया होगा, क्या कहना नजर आ रहा है कि जाहिर है कि मामले पर लीपापोती तो चल रही होगी, कुछ तो जवाब दिया ही जा रहा होगा कि हाँ जल्द हो जाएगा, लेकिन कितना समय लगेगा? एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग आमने सामने हो गए हैं, और एनएच बोल रहे हैं कि जब टेंडर होगा तब चालू हो पाएगा, इस कारण से रुका हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नीमच के बघाना में जिला प्रशासन की छापामार कार्रवाई में मिला